मुंबई 1980 सड़कों पर खोले यहां खून खराबा होने लगा। गैंगस्टर्स के खत्म होने की कहानी शुरुआत से दहला देने वाले रोमांचक देखने के लिए लॉग इन कीजिए www.sonylist.com। जोश मेरे खून में है, होश की मुझे परवाह नहीं। कोई आवाज उठाए तो कुचल दूं, कोई आंख उठाए तो मसल दूं। कुछ ऐसा मिजाज होता है जवानी का। इंटरनेशनल नाम रखेला तेरे मम्मी डैडी ने तेरा। उधर क्या इडली से मिलने भाग रहा था आगे? ए बाबू बंद करना या पकड़ा पकड़ी का खेल। रामिया भाई ठोक देना इसको सीधा। परोन गोली और ताली सही जगह और सही वक्त देख के ठोकनी चाहिए। किसको समझा रहे हो तुम भी? ये भी जोरू का गुलाम है। वो भाभी के कहने पे एक हफ्ते तक संडास रोक के बैठता लेकिन इधर इसकी गोली नहीं रुक रही बंदूक से। बाबू समझाओ इसको। चलो रे सासे रोको इसकी। छोड़ दो मुझे, मेरे फंटर लोग तुम लोग छोड़ेगा नहीं, मेरे ऊपर तक पहचान है। अच्छा तो चल तुझे तेरे फंटर लोग से मिलाते हैं। ऊपर क्या बोला था रे तू? भूखे मिलवर कर लोग की इलीगल पैदाइश हम लोग। तेरे आदमी लोगों के सामने अपन लोग की आवाज तो क्या अपन लोग का सर भी झुकेगा? अब तो देख सांबर रवि कैसे तेरे को ऊपर पहुंचाते हैं। ए सांबर रवि कोई आखिरी इच्छा है क्या तेरी? छोड़ दो मुझे, मैं गांव चले जाऊंगा, छोड़ दो मुझे। मेरी बात सुन, आज के बाद मुंबई सिर्फ दो बातों के लिए जाना जाएगा, इधर का गर्दी का नॉइस और दूसरा बाइकुला बॉय। रामिया भाई डायलॉग बाजी बाद में करते, पहले ठोको इसको सीधा। इतना खाइए तो ठोक डाले से। चल एला ये ठोक ना, घोड़ा निकाल, मार इसे। ठोकू क्या? हट रे तेरे, निकाल घोड़ा। अरे निकाल ना, ये निकाल ना फट्टू। चल तुम लोग मेरे दोस्त नहीं हो रे। मेरा दो हाथ है, आंखें हैं मेरी। अरे पंटर लोग भाई एक बात सुन लो अभी। हाँ भाई। ये एरिया अपन लोग का है, अपन लोग का समझे? ऐसे ही पूरी मुंबई को कवर करने का है समझे? भाई रामे भाई ये सब बात अपन अपने खोली पे जाके करते ना, नहीं तो पुलिस आ गई ना तो फट जाएगी तेरी ना फट्टू। रामे भाई समझा दो उसको, फट्टू नहीं बोलने तो तेरे को भी ठोकेगा। ये टेंशन नहीं लेना, इसी मिट्टी के भाई लोग हैं अपन लोग। इधर से ही अक्का मुंबई संभालेगा, बिजनेस करेगा, वो मॉरिशस से नहीं समझा? कुछ नहीं होने वाला अपने को, कुछ नहीं। अभी कुछ टाइम में देखना कैसा इधर की गर्दी और इधर की वर्दी अपन लोग को सलाम ठोकेगी। सलाम सलाम। चलो चलो कहीं कहीं चलो ये चले। 80 के दशक में अंडरवर्ल्ड अपने चरम पे था। अंडरवर्ल्ड का बेशुमार पैसा कई बेरोजगार युवकों को अपनी ओर खींच रहा था। सब कुछ आसानी से चाहिए, कीमत चाहे जो भी हो, बस ऐसी ही ये सोच पनपती है
और किसी भी नौजवान को गर्त में लेके जाती है। और यही हुआ तीन जवान दोस्तों के साथ, रम्या नार्वेकर, वरुण सुरवे, बाबू राम। खून में आग थी लेकिन होश नदारत था। यही जोश अगर सही जगह लगता तो वो भी विकास सावंत की तरह होते, जहां विकास भी जवान था लेकिन उसने चुना सही रास्ता। तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम, बतलाओ। सीनियर इंस्पेक्टर विकास सावंत, बाकी का इंट्रोडक्शन तुझे लॉकअप पे जाके देता हूं। तुम तीनों के पास 3 घंटे की जिंदगी बाकी है। आपस में बैठकर ये फैसला करो कि कौन मुझे बताएगा कि सांबर रवि का मर्डर किसने किया। सर साहब, सर नहीं साहब, लेके चलो इन्हें। सर साहब लेके जाओ इसको। चल सर, इन हलकट लोगों को तो मैं देख लूंगा। लेकिन तो देर हो रही है, आज अपनी सगाई है, अब घर जाइए, अब घर जाइए, चलिए। रमया, वरुण और बाबूराम ने बनाई बायकला कंपनी, जिसने जल्दी ही शराब के अड्डे, हफ्ता वसूली, फिरौती और वेश्याले के धंधों से काफी नाम कमा लिया। जिसकी गवाह मुंबई सारी है, अब उस इंकाउंटर की बारी है। तो आने वाले हैं। वो आए क्यों नहीं अब तक? बस आते ही होंगे। अगर यही तुझा भाऊ चाहिए, उसे तो आदत है 10 मिनट में आता हूँ बोल के एक एक घंटे ना आने की। नई बात है क्या तुम्हारे लिए? देखिए लीजिए, चाय लीजिए। लो आ गए भाऊ। नमस्कार। सॉरी मुझे आने में थोड़ी देर होगी। बस आ। कोई बात नहीं भाऊ, मुझे मालूम है जब आप अपनी पहली बीवी के साथ होते हो ना तो हम सबको भूल जाते हो। मतलब आपकी नौकरी। बहनी अभी भी सोच लो, भाऊ एकदम ऑनेस्ट पुलिस वाले हैं, ऊपरी कमाई 0, नॉनवेज तो छूते भी नहीं और सबके हाथ का बनाया खाना जल्दी से पसंद भी नहीं आता। चलेगा, अगर मेरे हाथ का पसंद नहीं आएगा ना तो इनसे बनाकर मैं सीखूंगी। क्या बात कही बहनी। छोटा बेटा नहीं दिख रहा, वो कहाँ है? जी वो यहाँ नहीं आएगा। वेरी वेरी रॉन्ग, क्योंकि वो तो यहाँ आ गया है भाऊ। तो आया तू यहाँ? अरे ये भी कोई बात हुई? सबके लगन में जाके मुफ्त का खाना खाया है मैंने। आप मेरे सगे भाऊ की सगाई है, इधर आना और इधर खाना तो बनता ही है ना। प्रणाम बहनी, कैसे गए? क्यों पकड़ा है रामिया भाई के लोगों? क्यों परेशान कर रहे हैं मेरे दोस्तों को? गुंडे है वो, मर्डर किया है उन्होंने। सबूत है क्या तेरे पास और तेरे कानून के पास? अदालत आ, पता लग जाएगा। वेरी गुड,
ऐसा क्यों कर रहा है तू? मत कर ऐसा, तकलीफ होगी सबको। तुम लोग जो कर रहे हो ना वो ठीक नहीं है, मत कर, वरना तेरे राम्या भाई और उसकी पूरी गैंग को उड़ा डालूंगा। ए, राम्या भाई को टच भी नहीं करने का। भाई नहीं, दो कोड़ी का गुंडा है वो, एक को मार के बंबई हाथ नहीं आएगी। हिम्मत है ना तो बंबई पुलिस पे हाथ डालू। बस तुम दोनों का चोर पुलिस का खेल अभी पास। अरे क्या आए तू भी ना, क्या देगा तेरे को ये तेरा वर्दी वाला बेटा, मैं है ना। हाँ तो तू भी ना, बिना इंसल्ट के हमें कुछ नहीं दे सकता। तू इधर आया ही क्यों? छोटी, वार्निंग देने आया तेरे इस तीन सितारे वाले इंस्पेक्टर भाई को कि मेरे राम्या भाई को और उसके छोकरे लोगों को ज्यादा तकलीफ दिया तो बहुत तकलीफ होगी सबको। ए वही नहीं, अपने मर्द को समझाने का, मेरे राम्या भाई से दूर रहने का, क्योंकि हम लोग थोड़े पागल किस्म के लोग हैं और डेंजरस भी। चलता हैप्पी सगाई भाव। माफ कीजिएगा, आप लोगों को बाबू के बारे में ठीक से नहीं बताया। दरअसल कुछ आवारा गुंडों के साथ रहता है, इससे थोड़ा बिगड़ गया है। जवान खून है, भटक जाते हैं कभी कभी, पर मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम उसे सही लाइन पर ले आओगे। और ऐसे दामाद पाकर मुझे गर्व है बेटा। छे की छे डाल देगा, एक भी नहीं जाएगा यहाँ से। एक और आया। हार डालूंगा मैं तेरे को। जितना अनाड़ी तू है ना रम्या, उतने ही लुक्खे हैं तेरे ये पालतू कुत्ते। और तू बिजनेसमैन रमेश सोलंकी। ए, गन चलाने में तो पिछवाड़ा गीला हो जाता है, गैंग कैसे चलाएगा? हाँ इसको ठोक दूं? नहीं हरी, बस समंदर की मछली है हम, इन नाली के कीड़ों की कोई औकात नहीं है हमारे सामने। और तेरे को मालूम है ये गटर का पानी तेरे समंदर में बहुत जल्द खुलने वाला है, फिर देखते हैं कौन कितने पानी में है। चल निकल, चल वनटास की गोली। ए शाणे, ए झिंगे, चल निकल निकल। फट्टू बॉस और फट्टू तू, बॉस बोलो तीनों को डाल देगा। अभी नहीं, अभी नहीं, फिर किसी दिन चलो। ए चल, और काय को रोका तूने मेरे को? ये आज अगर तू रोकता नहीं ना तो उन दोनों को ठोक देता, सोलंकी और उसके बच्चे लोग की। तो ए बाबू, अपने धंधे में दिमाग का नहीं जेब का गरम होना ज्यादा जरूरी है, समझा? हाँ मामा। भाई बात सही है तुम्हारी, लेकिन इतना फास्ट फास्ट पैसे लाएंगे कहाँ से? चोर थोड़ी ना है,
किसी का बैंक लूट कर लेकर आए। अरे लेकिन बिल्डर लोग को तो लूट सकते हैं ना? हाँ, और ये बिल्डर लोग के दिल में अपन के गैंग का डर होना मांगता है। बस यही डर चाहिए अपने को, जितना डर उतना पब्लिसिटी, समझे? भाई वो जो जगन शेट्टी है ना, दिमाग की बहुत दही कर रहा है। अरे बार बार पैसे के नाम पर पुलिस की धमकी देता है भाई। इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है, कल जाकर हेलो बोलकर आएंगे अपन। भाई पागल हो गए होगे तुम, पहले ये सांबर रवि, उसके बाद जगन शेट्टी, पुलिस ने पकड़ लिया ना तो भाई वाट लग जाएगी अपनी। तुम लोग इस सब का टेंशन मत लो, तुम लोग को जो करने का है बिंदास करो, ये सारा मामला मैं अपने सर पर ले लेगा। मैं अंदर और तू रामिया भाई के साथ बाहर वसूली कर, अगर अपना गैंग हेड तो अपन भाई लोग सुपर हेड। ये बात ये किया ना सब भाई वाली बात। चल चल टेंशन मत ले, नाश्ता कर नाश्ता, और ये ले मेरी जान, ये ले। आ तो रहा हूं। अरे भाई दे रहा तेरे को, लेकिन आज ठोकने नहीं दिया तुमने मेरे को उसको। फिर ठोकने वाली बात कर रहा है, कल ठोक लेना ना। तो फिर आज लावनी दिखाओ। कोई लावनी वावनी नहीं दिखने वाली है, बस यही खाना मिलेगा। इसमें क्या है भाई, इसका दिमाग ना बस इसी में चलता है। हफ्ते भर से रामिया गैंग के फोन आ रहे हैं, मना किया तो जान से मारने की धमकी दे दी। और कर भी क्या सकते हैं ये लोग, पर आप चिंता मत कीजिए शेट्टी साहब, आपको कुछ नहीं होगा। वैसे लोगों के मन में डर पैदा करने का अच्छा तरीका इन गुंडों का, पर शेट्टी साहब आपने हिम्मत दिखाई, बाकी सब लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक होगा। थैंक यू सो मच। आइए, आपके वो कांस्टेबल्स लोगों के पास बंदूक तो होगी ना? ना ये गैंगस्टर लोगों के पास तो। कहा ना आपको, आप घबराइए मत, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। मेरे तीन कांस्टेबल हमेशा आपके साथ आपकी प्रोटेक्शन के लिए रहेंगे, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा हम चलते हैं, इजाज़त दीजिए। ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। दामले सर, तीन कांस्टेबल्स को उनकी प्रोटेक्शन के लिए लगा। जी सर। हे शेट्टी, तो ये केस एक्सटॉर्शन का है। हो सकता है सर, पर मुझे गुस्सा इस बात का है कि उन्होंने जगन शेट्टी को मेरे सामने गोली मारी, और ना मैं उन्हें रोक सका और ना ही पकड़। आई कैन अंडरस्टैंड सावंत, आई कैन अंडरस्टैंड। भाई तुम दामले अकेले कर भी क्या सकते थे? नहीं सर, उनमें से एक कातिल मेरी टारगेट पे था, अगर मैं चाहता तो उसे गोली मार सकता था, लेकिन मेरे हाथ काम कर। पर दुख की बात तो यह है सर कि वो कातिल कोई और नहीं बल्कि मेरा ही छोटा भाई बाबू था। लेकिन आप प्लीज मुझे इस केस को हैंडल करने दीजिए सर, मैं मानता हूं कि इस बार गोली चलाने पर मेरे हाथ काम पे, पर मैं आपको यह भी प्रॉमिस करता हूं कि अगली बार बाबू पर गोली चलाने पर मेरे हाथ नहीं काम पे। दिस इज व्हाट आई लाइक इन व्यवहार, अगर होता ना तो ये सच कभी भी नहीं बता। ये केस तुम हैंडल करो, लेकिन मेरे सुपरविजन। यस सर। एंड दिस टाइम आई डोंट वांट सॉरी, आई वांट रिजल्ट। ओके? यस सर। यू विल डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू मी, लेकिन अपने एरिया के एसीपी आशुतोष को लूप पे लेकर। अंडरस्टैंड? डेफिनेट सर। गुड नाइट। अरे आलास तू? क्या बात है, परेशान दिख रहा है, कोई तकलीफ है क्या? हाँ, तुझसे एक सलाह लेनी थी। अरे मग बोलना। आई, आज मैंने बाबू को एक बिल्डर का मर्डर करते हुए देखा है, चाहता तो उसे गोली मार सकता था, लेकिन हाथ कांप गए।
अब उसे हथकड़ी पहनानी है तो डर लग रहा है कि कहीं कमजोर ना पड़ जाऊं। ये वर्दी पहनकर अगर तू ऐसी बात करेगा तो मेरी नजर में तो तू बाबू से भी बढ़कर गुनहगार होगा, समझे? कहां गलती हो गई भाई जो ये बाबू ऐसा निकला। अरे बाबू के दिमाग में तो कीड़े हैं, उसे पैसा बनाना है, बहुत जल्द बड़ा आदमी बनना है, चाहे उसके लिए किसी की जान ही क्यों ना ले, पर तू ऐसे गुनहगार को छोड़ेगा नहीं, समझा? महाभारत में अपनों के खिलाफ अर्जुन जब खड़े हुए थे तब उनके भी हाथ कांपे, लेकिन भगवान जी ने उन्हें कहा दुनिया में अपना पराया कुछ भी नहीं होता, जो कुछ भी होता है सिर्फ सही और गलत होता है, और तुम्हें सही का साथ देना है। रानी तो गई तेरी। क्या भाई तुम्हारे साथ ना ये गेम खेलने में मजा ही नहीं आता है, सीधा क्वीन को लपक लेते हो। एक बात बताओ, ये रानी की जवानी के साथ कुछ स्पेशल वाला इश्क है क्या? ओ, रानी की जवानी साले फट्टू, जोरू का जोकर है, और ये है ना ये अपना लड़कीबाज एक नंबर। अपुन को रानी मांगती है क्योंकि अपुन को राजा बनने का शौक है, समझा ना? अरे भाई रानी तो आ जाएगी, आप बस रानी के हार का इंतजाम करो, रानियां बहुत है आपके लिए। अभी तुम लोग की मजाक मस्ती हो गई तो ध्यान से सुनो, वो दुबई की पार्टी आ गई है, हार्बर के पास वाली जमीन के लिए कल उसको मिलने का, समझे? हाँ तो मिल लेंगे ना, प्रॉब्लम क्या है? फिलहाल आप इसको स्ट्राइक करो एकदम जोर से, जो जीता फिर हारोगे तुम लोग यार। अरे कितना जीतेगा रे मैं तुझसे, हाँ अगली बार पैसे के साथ खेलेगा, मैं इतना पैसा बनाएगा वो बिल्डर लोग की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, बिल्डर लोग की तो माँ की। तामले ये बाबू देखना तेरा सगा भाई है अपन को गले लगा रहे। काकी मैं को आया तू इधर, क्या चाहिए तेरे को? मेरे हर सवाल का जवाब और रेस्ट वारंट है, ले चलें सबको। बसा क्या दामले, इतना तोड़फोड़ करने की क्या जरूरत थी? अरे हमें थाने बुला लिया था, आ जाते अपन लोग, क्यों? रामे भाई ये पुलिस वाले हमारा क्या करेंगे, मेरे को बहुत डर लग रहा है भाई। जब जेब में नोट हो, सपोर्ट के लिए काला कोट हो, तो ये पुलिस वाले क्या बिगाड़ेंगे अपन लोग का। अरे है ना अपना वो वकील है ना, और वैसे भी अपन ने कौन सा गुनाह किया है, अपन तो व्हाइट कॉलर लोग है, अपन बिजनेस करते हैं, साहब को गलत फहमी हुई है। आई शपथ, दो दो मर्डर किया है तू, आई की झूठी शपथ मत खा, नालायक। पर तेरा कानून तो सबूत मांगता है ना खाकी, पहले सबूत तो लाना रे। और याद है तेरे को मेरी पहली चोरी, सबूत ला के दिखा के पकड़वाया था तुम्हें, अभी सबूत ढूंढ के दिखा खाकी। ए खाकी, मेरे भाई को टच नहीं करने का, मेरा भाई है वो। हाँ मारना मेरे, अच्छा ये ले मार, मारना भाई साहब। स्मार्ट बॉय तामले, अरे आराम से, एरिया में इज्जत है, बोलो नहीं अंदर। ये नाम मीना कुमारी। नाम बाबू, लिख बाबू। बाबू ए तू रुक, ऐसे लुक्के में फोटो नहीं खींचने का, देखो हैंडसम में आने का अखबार में, अब खींच। ए कैमरा नीचे कर, क्या कर रहे हो तुम लोग, बाहर निकल, चलो क्या कर रहे हो? ऑफिसर ऐसे धक्का नहीं दे सकते आप हमें, इन क्रिमिनल्स को हीरो बनाने वालों को भी मैं जेल में डाल सकता हूँ, समझा? बाहर निकल, चलो। ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं,
इनकी कहानी तो मैं छपाऊंगा, और ऐसी कहानी कि आने वाले टाइम में कोई गैंगस्टर बनने की सोचेगा भी नहीं। लेके चलो इन्हें अंदर, चलो। येड़ा है रे तेरा भाई, ये मेरा भाई। सर ये क्या कर रहे हैं आप? ये जर्नलिस्ट लोगों से दूर रहो, ये कभी कभी अच्छी न्यूज देने के भी काम आते हैं। मैं समझाता हूँ ना उसे। सड़क छाप गुंडे हैं ये लोग, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। एक हाकी, तू हमको बता रहे हैं या खुद को समझा रहे हैं? ना, टाइम बताएगा तुझे। ए! रामिया भाई को हाथ नहीं लगाने। ए! ए भाई कैसे बोल रहा है? अपनी ये उंगली ना इसका मुंह बंद करने के लिए रख, और अगली बार अगर ये उंगली दिखाई ना तो तोड़ के हाथ में दे दूंगा तेरे। बहुत हुआ तेरा। हाय। क्या भाई को कुछ लगा तो नहीं? उस खाकी ने तेरे को तकलीफ तो नहीं दी ना? ओ खाकी। ए बाबू, तेरे भाई को भी ना कीड़े कीड़े। साला बचपन में अपना दोस्त होता ना तो आज अक्खा मुंबई अपना होता। चल कोई बात नहीं, अपन लोग अपना धंधा यही से सेट करेंगे। तेरे भाई को इतने कीड़े कहां से आते रे? खाकी के साथ फ्री में आते हैं। 50, 60 के आगे गिनती नहीं आती। बाबू भाई शाबाश, देख शाबाश, ये असली खाकी वाला। रमे भाई पेइंग टाइम। है कमाल असली। वहां का मजाक क्यों? अबे भाई तुम्हारा। ऐकना रे, एक पप्पी देना रे। क्या रे तू थप्पड़ मुप्पड़ मारती है मेरे को पप्पी के नाम पे? आई शपथ, प्यार की निशानी दे रही हूँ मैं। अरे तेरी लाली की कसम रे बंधु, इसको अभी बाहर तक जाने तक नहीं धोएगा मैं। बड़ा आया कुछ भी। मेरे को एक बात बता, इतनी छोटी निशानी देगी कि फ्यूचर में भी कुछ प्लानिंग है तेरा? अरे लोग सुनते नहीं है। ये सुन, अभी प्यार व्यार की बातें खत्म कर दे। हाँ। और जरा काम की बात कर ले। और ये ना बिल्डर लोग का लिस्ट है, ठीक है? सुबह शाम इन लोगों को हुई पट्टी जानी चाहिए। इन लोगों को बस एक ही चीज रहना चाहिए दिमाग में, या तो पैसे दो वरना जान दो। अच्छा मैं चल रही हूँ, ठीक है? बहुत सही लग रही है रे तू। अब मैं जा रही है। सुन ये क्या मस्ती है तुम दोनों को? ए, लेकिन सच में हा, बाहर अपन लोग के गैंग का फुल टेरर है। कसम से भाभी सब कुछ क्या सही संभाल रही है यार। वो तो बंधु है ना अपनी प्यारी है ना। ए वरुण, लव यू रे। अभी जान है तो जान है भाई। ये रम्या भाई तो साधु आदमी है, लेकिन ये जो बाबू है और जो मेरा मर्द वरुण, हटेले हैं दोनों हटेले। इन दोनों की हटी तो समझना दुर्घटना घटी। लेकिन वो लोग तो जेल में हैं, इसलिए हम दूसरों को हफ्ता दे रहे हैं। मन्ना भाभी, अब वो जेल जाए या काला पानी, ज्यादा दिन टिकेंगे नहीं। अब अपनी अकल लड़ाओ और ये बताओ कि रम्या गैंग को पैसे देने का है या नहीं। हेलो, हाँ बोल। तेरी माँ का, ठोक दे दोनों को। ये इलाका रम्या गैंग का है, ज्यादा चर्बी चढ़े ना उसको।
तोड़ा दे सालों को, ये बिल्डरों को तभी चकल आएगा। रखती है मैं। माफ कीजिएगा, तो मैं क्या बात कर रही थी? नहीं नहीं कुछ नहीं, हम रम्या भाई के साथ हैं। तुम दोनों की इसी में भलाई। जी भाई, वो राम्या गैंग वालों ने जीना हराम कर रखा है हमें, जान बचाने के लिए सुननी पड़ती है उनकी। अरे बोला ना, लुखे हैं वो लोग, और अभी तो जेल में बंद है सब लोग, वो चाहकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भाई वो वरुण है ना, उसकी बीवी धंधा संभाल रही है आजकल। जब रम्या ही जिंदा नहीं रहेगा तो फिर कैसा धंधा, और क्या देखेगी वो? मैं जेल में बिल्ला और मंगिया को भेज के और उन सबको मरवा डालूंगा। जेल से रम्या और उसके कुत्तों के सिर्फ लाशें बाहर आएंगी, सिर्फ लाशें। कैसी है तू? कैसे? मस्त। सुन, तेरी ये सजा खत्म हो जाएगी ना, तू सारा घर ही निगुन यहाँ। सजा? काई की सजा? कुछ किया है नहीं अपन फिर? झूठ मत बोल, मर्डर किया है तूने। अच्छा, सबूत है तेरे पास? नहीं ना। फिर? अरे आई ऐसे ही डाला तेरा ये पुलिस वाला बेटा मेरे को अंदर मजे के लिए। अपनी इस हालत का जिम्मेदार तो खुद है बाबू। हालत? मेरी हालत? अरे पैसा है अपने पास, खाता है पीता है ऐश करता है और मजे से उड़ाता है, वो चार बाय चार की खोली में नहीं रहता। अरे आई अपन ना लोगों की समाज सेवा करते हैं, लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं और उसके बदले में थोड़ा सा फीस लेते हैं। जो काम इन लोग करना चाहिए वो हम लोग कर रहे हैं। हफ्ता कहते हैं उसे। रुपया कहते हैं इसे, वही रुपया जिसकी वजह से वो कमीना मास्टर मेरा स्कूल में से नाम काट के भगाया था मेरे को, वही रुपया जिसकी वजह से बहुत बेइज्जती सुना मैं। लेकिन आप कोई राज करता है। तू एक बात भूल गया बाबू, वो सब दिन मैंने भी देखे, लेकिन तू फट्टू था, तेरे में डेयरिंग नहीं थी, तभी तो आके बैठा है इस ससुराल के कानून में दुल्हन बन के। अपने भाई लोग को देख, राज करते हैं अपने साथ। कहा था ना इससे बात करने का कोई फायदा नहीं। तू मेरी बात मानेगा या नहीं? नहीं। काय को सुनेगा? अरे इज्जत मिली अपने को एक काम से, लोग बाबू भाई बोल के बुलाते हैं, तेरे को भी बोल रहा हूँ, ताई मेरे साथ रहेगी ना, सब तेरे को आई बोल के ना सलाम ठोकेंगे, सर झुकाएंगे तेरे सामने। पहाड़ में गया तेरा पैसा, मैं यहाँ मेरा बेटा ढूंढने आई थी। हाँ तो फिर भूल जाओ ना तुम लोग भी मेरे को, अब उनका भी फैमिली अब यही छे, मर गया मैं तुम लोग के वास्ते, जाओ। विकास चल हम लोग घर चलते। अरे आई समझ ना मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ गुस्से में आया लेकिन समझ मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे आई कुछ नहीं देगा तेरे को, आई अभी भी टाइम है, समझ नहीं समझोगे ना तुम लोग। अपुन ठीक है भाव, सर जेल में होने के बावजूद भी रम्या के गैंग वाले बाहर से उसका धंधा चला रहे हैं, इसीलिए उसके हर अड्डे पे हमने रेड मारी, शराब के ठेके, बियर बार, जुआ घर, हर जगह काफी लोगों को पकड़ा भी है सर, और बहुत जल्द सारी इंफॉर्मेशन निकलवा लेंगे। सावन? यस सर। ये रम्या गैंग को उठता हुआ देखकर रमेश सोलंकी भी काफी एक्टिव हो गया, इन दोनों की लड़ाई में बिल्डर फंस रहा है। सर मेरी पूरी कोशिश है कि रम्या को जेल के भीतर ही रखा जाए, लेकिन उसका वकील बहुत तेज है सर, अगर उसे बेल मिल गई ना तो उसके खिलाफ कुछ भी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन दोनों पर कड़ी नजर रखो। यस सर। न जाने मुझे क्यों लग रहा है कि इन दोनों गैंग्स की दुश्मनी कहीं जेल के भीतर ना पहुंच जाए। डर मार के आता हूं। एक
खाकी दरवाजा खोल, मुंह लगे लिए अपने को। एक हाकी खोलना रे, अभी इधर ही कर डालेगा अपन, जल्दी खोलना। सुलभ ले जाए इसको, सुलभ। इधर इधर है ना। हाँ दूर बनाया बाथरूम ये लोग। क्या बोलूं, मैं भी आता है। अच्छी है इसकी, शोर नहीं करता बंदूक की तरह। हमें भाई जान बचाई आपने मेरी, आज से जान आपके नाम, जब चाहिए ले लीजिए। अरे पंडित लोग एक बात कान खोल के सुन लो, ये अपन का गैंग है, अपन का, कोई बस्ती के आइटम नहीं है कि नजर डाली और बच गए। जीना है ना, जीना है तो फिर उनके साथ, नहीं तो दूर रहो दूर। अगर सामने दिखे तो दुनिया में नहीं दिखोगे, समझे? चल रमिया, तुम लोगों की बेल हो गई है। क्या बात है भाई, आते हैं खुशखबरी। जियो, चल रहे। क्या भाई, एक नंबर, एकदम नेता टाइप्स लग रहा है। इस सावन के माथे का पसीना उसके पिच्छू तक गया है और उसका एसीपी अपन को रोक नहीं पाए। अभी रुकने का भी नहीं है अपने। इस टाइम हर धंधे में पैसा है, जिधर हाथ मारो पैसा ही निकलेगा। तो हमको बोलो ना, कोई भी धंधा संभाल लेंगे। ए, तू कितना भी कमा ले, तेरे घर वालों को अछूत ही लगेगा। तो कौन सा उनके लिए कमा रहा हूँ, खुद ही के लिए तो कमा रहा हूँ। मर गए मेरे लिए सबके सब, सब मरे या ना मरे, लेकिन उस विकास सावंत का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जिन बिल्डर को अपन धमकी देता है ना, वो उनको प्रोटेक्शन देता है, अपने लोगों को थर्ड डिग्री देकर सबूत इकट्ठे कर रहा है वो। ए बाबू, ये क्या कीड़े रहे तेरे भाई में? मेरा भाई नहीं है। विकास सावन का कुछ करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कुछ। विकास, आज अचानक पार्क में मिलने का प्रोग्राम, ये कैसे बनाया तुमने? ऐसे मैं काफी हैरान। हाँ, वो काफी टाइम से सोच रहा था, ड्यूटी की वजह से, तुम जानती तो। हाँ हाँ, मालूम है मुझे, हमारी ड्यूटी ना मेरी सौतन है। क्या हुआ विकास? वो देखो मुझे, बाबू और उसके दोस्त, यही काम है इन लोगों का, लोगों को डरा धमका के वसूली करना और पैसे ना मिलने पर उनका मर्डर।
और हमारी मजबूरी ये कि सबूत न मिलने के कारण लोगों को हमें छोड़ना पड़ता है। कोई बात नहीं विकास, बुराई कितनी मर्जी ताकतवर क्यों ना हो, उसे सच के आगे सर झुकाना पड़ता है। और तुम देख लेना, एक दिन जीतना कानून के लिए। थैंक यू मुक्ता, मुझ पर और कानून पर विश्वास दिखाने के लिए। मैं तो उस मौके का इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन ये लोग गलती करें और मैं इन्हें दबोच सकूं। और वो दिन बहुत जल्दी आएगा, भरोसा करो। ये साले रामिया गैंग बड़ी पॉपुलर हो रही और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, और हमारे जो दो लोग गए जेल वो भी पकड़े गए। अब बताइए बॉस क्या करें, हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन कौन और कितने मारे गए मुझे नहीं जानना, हम बिल्डर सिर्फ किसी एक को ही प्रोटेक्शन मनी देंगे, वो कौन होगा ये तुम लोग और सोलंकी मिलके फैसला कर लो। फैसला आज ही होगा, वो लुखे लोग आज ही जश्न मनाने वाले हैं ना। एक काम करो, आज ही उन सब की कहानी खत्म कर दो। रामिया की कहानी और समंदर का पानी, ये मुंबई से कभी नहीं हटने वाला, इसीलिए इधर का बॉस मैं ही, और तुम्हारे ये सोलंकी का गेम बजा के सब साबित कर देगा, समझा? तो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। बाय बाबू। तो लड़के लोग इकट्ठा कर, इस सोलंकी का गेम बजाना। लड़के लोग का एक ची, मैं अकेला काफी नहीं गए बाबू का ढोल फाड़ने के लिए। हाथ में घोड़ा है, दिमाग से शिवाजी, क्या है आज के आज कुत्ता बना दूंगा इन कुत्तों को, क्या प्रॉब्लम है आज के आज? और क्या, पक्का आज जाएगा, कल जाओ। ये आज जा रहा है तो आज का तो जलसा रह गया इसका। अब ये काय का जलसा? अरे बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आज वो आइटम आने वाली है लाभ नहीं करने को। हाँ भाई। हाँ तो देख वरुण, तेरा चांस एकदम क्लियर। हाँ वंदना भाभी नहीं आ रही है, तू जाके आइटम सेट कर ले। सेट है भाई। अबे क्या सेट कर रहे हो तुम लोग, तुम लोग इधर लावणी में डांस करोगे, इधर उधर सेटिंग करोगे, मैं उधर जाके उस सोलंकी का ढोल फाड़ूंगा, कोई काम नहीं है। देख मैं, मेरे को लावणी देखने का, मैं बिना लावणी देखने जाऊंगा, इसको बोल रहे। ये देख इसके लार कैसे टपक रही है। धार मारने जा रहे हैं भाई यहाँ पे। ए तेरी धार मेरी धार से छोटी कैसे? क्या हुआ भाई? ए साला रमेश के पंडर लोग रहे, छोड़ना नहीं सालों को। ए! 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 ये लड़ाई बस एक पुलिस वाले और गैंगस्टर के बीच नहीं थी, बल्कि खोखले होते हुए नौजवानों की सोच और दिमाग की थी। नौजवानों के खून से सींचा गया ये अंडरवर्ल्ड का पेड़ शहर के कोने कोने में अपनी जड़ें जमा चुका था। अलग अलग तबके के लोग, अलग अलग सोच, अलग धर्म और अलग नियत, लेकिन टारगेट बस एक ही, मुंबई का पहला लोकलाइट डॉन बनना। इसके पहले कि यह जहरीली हसरत मुंबई शहर को तबाह करती, इसका जवाब सिर्फ एक ही हो सकता था, वही जिसे सिर्फ गोलियों की भाषा में दिया जा सकता था, एनकाउंटर। मेरी जिंदगी के साथ ऐसी राजनीति क्यों, और फिर आप लोग दावा करते हैं बदलाव का? ये कोर्ट इस केस के अपराधी है, फांसी की सजा सुनाती है। अब आप देख सकते हैं क्राइम पेट्रोल के नए और पुराने एपिसोड्स www.sony.com।